सतना में यातायात थाना प्रभारी सत्यप्रकाश मिश्रा के निर्देशन पर सूबेदार अम्बरीश साहू द्वारा व्यस्ततम चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। सूबेदार अम्बरीश साहू द्वारा अस्पताल के सामने सड़क पर खड़े 4 ऑटो को पकड़कर उनका चालान काटा गया। इन ऑटो को यातायात पुलिस द्वारा ट्रैफिक थाना भिजवा दिया गया। देखने में आया है कि जिला अस्पताल के सामने आए दिन ऑटो और अन्य चार पहिया वाहनों के खड़े होने की वजह से जाम लग जाता है, जिसके कारण मरीजों को पैदल और एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। कई बार 108 एम्बुलेंस जननी एक्सप्रेस लगने के कारण प्रसूताओं, प्रशासन और पुलिस यातायात को बाधा रहित जैसे आपातकालीन वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। जाम खुलने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है और गंभीर रूप से घायल लोगों की उपचार के पूर्व ही अस्पताल के द्वार पर पहुंचकर मौत हो जाती है। जिला प्रशासन द्वारा इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए और सुगम बनाने के लिए पिछले कुछ दिनों से सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। बिना परमिट के ऑटो पर कार्रवाई जारी है। पुलिस मुख्यालय के आदेश और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अभी लगातार कार्रवाई जारी 19 तारीख से ये चलेगी। यहाँ ऑटो का अवैध भंडार रहता है, यहाँ पे पूरी रोड जाम रहती है। जो अवैध ऑटो खड़े थे उनको नो पार्किंग में चालान करेंगे। जो बिना परमिट के ऑटो पकड़ ले जा रहे हैं, कागजात चेक करेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे।